सैयद मोहम्मद कृपा करो ना सैयद मोहम्मद मेरे बंदा नवाज सैयद मोहम्मद मेरे के सुदराज सैयद मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहु। नादरीन, आप देख रहे हैं रहमताबाद टीवी चैनल। मैं हूं आपके सामने नूरी भाई खलीफा, सजद रशीन बारगाह नायब रसूल रहमताबाद शरीफ। रियासत कर्नाटक में वाक़ दरगाह गुलबर्गा शरीफ के उर्स में ज़ायरीन को शरीक होने की इजाज़त नहीं है। हज़रत डॉक्टर खुसरो हुसैनी साहब सजद नशीन दरगाह शहनशाह दकन हुज़ूर सैयदना ख्वाजा बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए इस बात की इत्तला दी है कि हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज गेसुदराज सरकार का 616वां उर्स शरीफ 6 जुलाई से 10 जुलाई तक पाबंदियों के दरमियान खामोशी से मनाया जा रहा है, जिसमें ज़ायरीन को शिरकत की इजाज़त नहीं है। दिल तो नहीं चाहता, मगर मेरी ज़िम्मेदारी मुझे मजबूर कर रही है कि मैं ये इकदाम लूँ कि इस साल उर्स शरीफ ख्वाजा बंदा नवाज खामोशी के साथ मना लिया जाए। इसलिए मैं तमाम ज़ायरीन और अकीदत मंदान और आशिकान ख्वाजा से अदबन गुजारिश करता हूं कि इस साल उर्स शरीफ में तशरीफ़ न लाएं। बादिल नाखास्ता मैं ये कहने पर मजबूर हूं कि आप फातिहा खानी अपने मकान में कर लीजिए। अगर आपकी कुछ मन्नतें हैं तो अपने मकान से ही कर लीजिए। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला बतुफ़ैल हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज आपके जायज़ दुआओं को कबूल फरमाएँ और जायज़ मन्नतों को पूरा करे, आमीन। मुझे हालात ख़तन इजाज़त नहीं देती कि आप सब ज़ायरीन को दावत दूँ। मेरा ऐसा कहना बदतमीज़ी तसव्वुर करता हूँ और मेहमान नवाजी के मुग़ायर समझता हूँ, लेकिन इस वक्त दुआ हमारे सामने लाखों ज़ायरीन बिला लिहाज मज़हब मिल्लत है, उनका तहफ़ुज़ भी हमारी ज़िम्मेदारी है। मुझे ख़वी उम्मीद है कि आप सब इस नाचीज़ और लाचार गुनाहगार की ज़िम्मेदारी और मजबूरी को समझकर मुझे माफ़ कर देंगे। मैं दोबारा ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज के तुफ़ैल में आप हज़रात और ज़ायरीन की जायज़ दुआओं को कबूल फरमाएं और जज़ाए खैर अता करें।